गाजियाबाद के लोनी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद सत्यपाल सिंह, लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर और मोदी नगर विधायक मंजू सिवाच मौजूद रहे। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने भाषण देते हुए युवाओं को संबोधित किया और युवाओं से गुजारिश की कि सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में योगदान दें। इसी कड़ी में सांसद सत्यपाल सिंह ने भाजपा सरकार के पुल बांधे और विपक्ष पर निशाना भी साधा। इसी के साथ भाजपा सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने के लिए युवाओं को प्रेरित भी किया गया। यहाँ कोरोना का कभी प्रभाव रहा नहीं, तो उसी के तहत सभी के सत्र लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के बारे में और पार्टी की रीति नीतियों के बारे में विचार परिवार और तमाम चीज़ें, कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना, लोगों के लिए बीच में कैसे सेवा करना है और अपने जो पार्टी ने क्या डेवलपमेंट किया है लोनी के अंदर, जो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये जीरो था, कानून व्यवस्था चौपट थी, ये सारे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। तो वही कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि हम लोग आपस में सामंजस्य बना के रहें, समाज के सब वर्गों की सेवा करें। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो हमारा सिद्धांत और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति गरीब व्यक्ति है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम कर सकें, जिससे कि भारत का अंतिम व्यक्ति जब आगे पंक्ति में आएगा तो देश तभी विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बन सके। और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय रक्षा मंत्री जी हों, माननीय गृहमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश की सीमाओं से लेकर के जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो देश में जो विकास हुआ है हर मामले में, उसमें जो ऐतिहासिक जो कार्य हुए हैं, उन चीज़ों के कारण भारत दुनिया के सामने आज खड़ा है और चाइना जैसा देश पीछे हटा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं प्रशिक्षण के माध्यम से, वही कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। 2014 के बाद पार्टी ने इस देश के अंदर विकास के लिए क्या काम किया, हमारी जब मोदी जी की सरकार आई किस प्रकार से अंत्योदय की योजना लगाई गई, भारतीय जनता पार्टी का विचार बिंदु क्या हैं, उसका सिद्धांत क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, उसका एकात्म मानववाद क्या है, अंत्योदय की क्या योजना है, हम जो विचार परिवार की बातें करते हैं विचार परिवार क्या है, हम इस देश में रहते हैं सबको सुरक्षित रहना चाहते हैं सब लोग, हम इस देश को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और सुरक्षा के बारे में हम अपने को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम लोग जो हैं किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे मजदूरों के जीवन में कल्याण ला सकते हैं, इस तरह की जितनी भी बातें हैं जो पार्टी जिन पर 1980 से लेकर, या मुझे कहना चाहिए 1951 से लेकर के या भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से जिस दर्शन को लेकर के, जिस फिलोसफी को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी चली है, हमारी पार्टी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, नए नए कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।